नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कुर्सेला के रेल के ब्रिज के ऊपर मालगाड़ी पास कर रही है, लेकिन नीचे एक खतरा मंडरा रहा है, और खतरा है गाइड बांध के टूटने का। जी हां दोस्तों, लगातार खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है कोसी नदी का जलस्तर, और खतरा मंडराने लगा है रेल के इस ब्रिज के पास, क्योंकि ये जो गाइड बांध बनाया गया है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और ये नया ब्रिज देखिए, इसके पाए तक जो है वो पहुंच गया है पानी, तो पानी डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ चुका है। इसलिए जो कोसी का जलस्तर है वो रुक गया है और पानी फैलता जा रहा है, दोनों साइड में प्रेशर बनता जा रहा है, और ये पानी जो है फैलाव पूरा इलाका जो है वो कोसी का जलमग्न होता दिखाई दे रहा है। खासकर खतरा ये गाइड बांध पर है, जो देखिए मिट्टी और से लग करके बोरी यहाँ पर रखा गया है बचाने के लिए, लेकिन जिस तरह से प्रेशर बन रहा है वो खतरा और बढ़ा। आपको बता दें कि डॉक्टर कमर हाशमी के सौजन्य से ये हम आप तक वीडियो और खबर पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने देखा गाइड बांध को जाकर के, और साथ ही साथ उन्होंने NH-31 को भी देखा। NH-31 जो खगड़िया नौगछिया को जोड़ता है पूर्णिया से, वो NH-31 भी अब पानी जो है उसके समानांतर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए NH-31 खगड़िया और पूर्णिया को जोड़ने वाला ये NH-31, ये इस पर भी पानी अब आ चुका है। तो खतरा NH पर भी मंडा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मंडा रहा है, और कोसी का पानी जो है वो अब थोड़ा सा अगर लेवल और बढ़ गया तो क्रॉस कर जाएगा, इस हाईवे पर भी खतरा मंडा रहा है। तो कुर्सेला के पास की स्थिति यह है कि कोसी जो है रौद्र रूप में है, गंगा भी रौद्र रूप में है, और पानी डिस्चार्ज न होने के कारण पानी का फैलाव होने लगा है पूरे इलाके में। तो यह सिर्फ कुर्सेला नहीं बल्कि बरारी, समेली, डुमरा, ये तमाम जगह, नवाबगंज, पोठिया, ये तमाम काढ़ा गोला, तमाम जगह जो है इस तरह के हालात बन रहे हैं, और लगातार कोसी और गंगा का रौद्र रूप इस इलाके में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर जो है बढ़ जाने के कारण जो है वो लगातार इसके किनारे बसे लोगों में, देखिए किस तरह से हाईवे पर अफरा तफरी है, लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रहा है, तो लोग ट्रकों में भर करके कुछ इस तरह से जा रहे हैं अपने अपने गाँव में, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक सामान्य उतनी नहीं है, बसें नहीं रही हैं, और लोग इसी तरह से जिनको जो मिल रहा है ट्रक पर सवार होकर के ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ये सब चारा काटने वाले लोग हैं, और देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। बैठा लिए भाई साहब, पुण्य मिलेगा, गरीब आदमी लोग है, चारा लाने के लिए जा रहा, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलाइएगा। ए पीछे बैठो, जर्किन में गिरी जेबो, यहाँ एक कोकर नहीं रहता है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा। हाँ ए चाची, तो पीछे जाओ, यहाँ पे नहीं बैठो, अब पकड़ी के एक दूसरे को बैठो, पीछे बैठो, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा भाई साहब, बहुते आदमी है। तो देखा आपने NH-31 पर डॉक्टर कमर हाशमी ने दिखाया। आपको बता दें कि कोसी और गंगा किस तरह से यहाँ पर आती है, ये देखिए ये कोसी और गंगा का यहाँ पर मिलन होता है कुर्सेला के पास, और ये कोसी जो है नदी जो इसलिए रौद्र रूप अपना रही कि गंगा का आगे पानी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, और फरक्का बैरेज के कारण ये पानी डिस्चार्ज नहीं हो रहा ऐसा कहा जा रहा है, और यही वजह है कि ये कोसी का फैलाव दोनों साइड हो जाता है उत्तर और दक्षिण दिशा में, और इस तरह से यहाँ पर जो है हालात बन जाता है कि हर साल स्थिति ऐसी हो जाती है। लेकिन इस बार गंगा प्रचंड रूप में दिखाई दे रही है, और इसी वजह से कोसी का पानी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, और नतीजा यह है कि NH-31 पर भी जो है प्रेशर बना हुआ है, NH-31 पर भी पानी के आने का खतरा मंडरा रहा है, और कभी भी इस पर परिचालन रुक सकता है अगर पानी क्रॉस कर गया तो स्थिति यहाँ पर कुर्सेला और कटिहार के इलाकों में, मनिहारी के इलाकों में वो भयावह स्थिति होती जा रही है, और पानी लगातार फैल रहा है, और प्रेशर लगातार बन रहा है, और स्थिति जब तब तक सामान्य नहीं होगी जब तक कि गंगा का रौद्र रूप कम नहीं होता, गंगा नदी का रौद्र रूप कम नहीं होगा, और उसका जब तक कि जलस्तर कम नहीं होगा, प्रेशर कम नहीं होगा, तब तक कोसी भी का भी जो है रौद्र रूप है वो कम नहीं होगा, और स्थिति यही बनी रहेगी कि यहाँ पर आपको गांव, खेत खलिहान, तमाम फसल बर्बाद होते रहेंगे। तो फिलहाल डर के साए में लोग जी रहे हैं, और कोसी के इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सा खौफ है, लोग रात रात भर जा करके बांध पर पहरा दे रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई बांध टूट ना जाए, और कहीं उनका जो है माल मवेशी जान आफत में ना आ जाए। तो डर और आफत के साए में इस समय
पूरा कोसी का इलाका है, कोसी का क्षेत्र है, और सबसे अहम चीज़ ये मिशन पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला जो ये रेल पुल है, इसका जो गाइड बांध है इस पर खतरा है। अगर ये गाइड बांध को सुरक्षित रखा जाता है तो ये पुल भी सेफ रहेगा। तो आपको बता दें, बगल में एक नया रेल पुल भी बन रहा है दोहरीकरण के लिए, और पुराना पुल पर अभी हालांकि परिचालन जारी है, लेकिन स्थिति आगे अगर सामान्य नहीं होती है, अगर जलस्तर कम नहीं होता है, तो हालात बद से बदतर और हो सकते हैं। तो ये वीडियो हमें डॉक्टर कमर हाशमी ने भेजा मनीष कुमार के साथ मिलकर के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ हर वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।